अच्छा ये प्रोग्राम देखना, इसमें हमने क्या किया हुआ है, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं और उनका यूज किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और उनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम ये प्रोग्राम को समझें, पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं फाइल के अंदर जा रहा हूँ, फाइल के अंदर ओपन फाइल, और यहाँ पे मेरा डी के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट की फाइलें पड़ी हुई है और ये वेरिएबल्स नाम से मेरी जो है फाइल है। तो यहाँ पे देखना ये कुछ आउटपुट आ रहा है, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, वी आर लर्निंग हाउ टू यूज वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, और लास्ट में 120 हमारा प्रिंट हो रहा है। तो ये है तो सिंपल सी कोडिंग, लेकिन समझते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पे डॉक टाइप एस्टिमल, ये तो हमें पता ही है, ताकि कोई भी वर्जन यूज हो जाए एस्टिमल का। फिर एस्टिमल हमने ओपन किया हुआ है, एस्टिमल क्लोज, बॉडी हमने ओपन करी है, बॉडी क्लोज की हुई है, हेडिंग टैग यानी कि s2 टैग का यूज किया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, और इसीलिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, इसीलिए दिखाई दे रहा है थोड़ा डार्क सा। उसके बाद पैराग्राफ टैग है, जब भी हमें पैराग्राफ बनाने होते तो हम p टैग का यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, वी आर लर्निंग हाउ टू यूज वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद में हमने एक और पैराग्राफ बना रखा है, यानी कि क्योंकि p टैग यूज करने का मतलब है पैराग्राफ बनाना, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आप चाहे तो लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना, जैसे मैं कुछ भी ऐसे ही लिख रहा हूँ ये, और लेकिन इस पैराग्राफ के लिए हमने इसकी क्या करी हुई है, आईडी सेट करी है, आईडी एट्रीब्यूट हमने यूज किया हुआ है इसका, और उसका नाम लिखा हुआ है मल्टी, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हम जो HTML के अंदर एलिमेंट्स रहते हैं उनका आईडी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं उनका, उसका मतलब क्या होता है, हम उनको आइडेंटिटी दे रहे हैं, ताकि अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर उनको एक्सेस करने की जरूरत पड़ी तो हम उस आईडी के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके नीचे हमने क्या किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड किया हुआ है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट का कोड से मतलब क्या, क्योंकि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि एचटीएमएल के अंदर तो होते नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट का अगर हम कुछ भी कोडिंग करेंगे तो उसको हम स्क्रिप्ट कोड, स्क्रिप्ट टैग के अंदर रखते हैं, तो वही हमने किया हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए ए बी और सी, तीन वेरिएबल दे रखे हैं, और इनके आगे हमने लिखा हुआ है VAR। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए VAR कीवर्ड यूज किया जाता है। जैसे अदर लैंग्वेजेस होती है उनका अलग फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम सी की बात करें तो सी में अगर हमें कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना होता था तो हम इंट और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते थे। कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना होता था तो हम कैर और फिर उसका वेरिएबल का नाम देते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको किसी भी तरह का अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सिर्फ वेर कीवर्ड आता है, VAR और स्मॉल लेटर में। ठीक है, अगर आप कैपिटल में या कोई और तरीका इसका यूज करेंगे तो एरर आएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दूसरा है, अब अपने आगे क्या किया हुआ है, ए में 20 स्टोर किया हुआ है यानी कि वेरिएबल ए, तो ऑटोमेटिकली जब आप ए के अंदर 20 स्टोर कर रहे हैं तो इस ए का टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। बी के अंदर हमने 6 स्टोर किया तो बी भी हमारा इंटीजर टाइप का हो गया, और सी के अंदर हम क्या करें, ए स्टार बी कर देगा, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई हो जाए, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गया, क्या कर देगा, सी के अंदर स्टोर कर देगा। यानी कि 20 और 6 का मतलब कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी उसने, 120। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम पहले ही समझ चुके हैं ये करता क्या है, यानी कि वो पूरा वेब पेज हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें हम गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ब्रैकेट में हमने दे रखा है मल्टी, और मल्टी क्या है हमारा, ये जो पैराग्राफ हमने बनाया था उसकी आईडी मल्टी है। तो एक गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उस एलिमेंट को सर्च करेगा जिसकी आईडी मल्टी है। तो हमारा जो सेकंड वाला पैराग्राफ था उसी की आईडी मल्टी है। ये सर्चिंग के बाद में हम क्या कह रहे हैं, यानी कि मिल चुका है ब्राउजर को inner.html, inner.html भी हमें पता चल चुका है क्या करते हैं हम, inner.html से हम उस html के कंटेंट को, यानी कि उस एलिमेंट के कंटेंट को, यानी कि जो अभी अभी हमने सर्च किया हुआ है मल्टी, क्योंकि हमने दिया था तो हमें पता चल चुका है, ब्राउजर को पता चल चुका है, उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए हम inner.html करते हैं और क्या कर दें, उसमें सी स्टोर कर दें। तो देखो ये जो हमारा पैराग्राफ टैग था इसमें हमने अभी बाद में ये कुछ लिख दिया ऐसे ही अपनी मर्जी से, इसकी जगह वो क्या कर देगा, सी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोड किया हुआ है। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, तो फर्क तो कुछ नजर आएगा नहीं, सेम ही रहेगा, लेकिन
मैं यहाँ पे जैसे अगर ये नंबर चेंज कर दूँ, 6 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 5 कर देता हूँ और सेव कर रहा हूँ, और तब मैं ब्राउजर में जा रहा हूँ F5, तो उसने 100 कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और उनका यूज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम है।